मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इस लाइन को सच कर दिखाया है एक मामूली मुस्लिम टीवी मैकेनिक की होनहार बेटी ने। अब्दुल का क्या है, उसे तो बस पंचर बनाना है। इस तरह के तंज आपने बहुतेरी बार सुने होंगे। सोशल मीडिया, नुक्कड़ वाली चाय व पान की दुकान पर ऐसे बहुत से ज्ञानियों से आपकी भेंट होती होगी जिन्हें खुद वहाँ बैठकर टाइम खोटी करनी है, मगर वो निशाना साधने में किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे ही अल्पज्ञानी लोगों के मुंह पर तमाचा है ये रिपोर्ट। हालांकि आज बात उन पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की बेटी सानिया मिर्जा की, जिन्होंने न केवल अपने माता पिता, अपने शहर, अपने जिले, बल्कि अपने राज्य का नाम रोशन किया है, क्योंकि सानिया देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। मैंने NDA 149th कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27th ऑफ दिसंबर को मैं NDA ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बात आती है मेरी स्ट्रगल की, तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वॉज नो मोर फर्दर, सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपने 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं। इंस्पिरेशन मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं, और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियां जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी, तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो जो आज कल गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था, और फिर NDA की वैकेंसीज आई, 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है, और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई। कैसा लग रहा है अंदर से, कितनी खुशी है आपको? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। यहाँ लड़कियाँ हैं जो बहुत कम लड़कियाँ हैं जो BSc करती हैं, BTech कर रही हैं, जनरली लड़कियाँ 12th करती हैं, BA करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई, और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। बता दें कि सानिया ने बचपन से ही प्लेन उड़ाने का सपना देखा और अब वो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन रही है। दरअसल मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर की रहने वाली टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने NDA की परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया, और अब वो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी। हालांकि एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सानिया के लिए अपने सपनों को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी लगन, मेहनत और कड़े अभ्यासों से वो कर दिखाया जो हर किसी के लिए करना आसान नहीं है। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA परीक्षा क्लियर कर ली है। बता दें कि सानिया शुरुआत से ही एक होनहार छात्रा रही है। उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई गांव के पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से की, इंटरमीडिएट के लिए गुरु नानक इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने 12वीं के एग्जाम में भी जिला टॉप किया था और अब उन्होंने NDA की परीक्षा पास की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया ने 12वीं पास करने के बाद से ही वो NDA की तैयारी करने लगी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही, इसके लिए कोचिंग भी की। उनकी मेहनत रंग लाई और वो देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बन गई है। सानिया 27 दिसंबर को पुणे के खड़कवासला में स्थित NDA एकेडमी को ज्वाइन करेंगी। उनकी इस कामयाबी पर लोग उन्हें खूब बधाइयां दे रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है।
उनके इस कामयाबी के पीछे उनके वालिद वालिदा के त्याग, बलिदान और परिश्रम छुपे हैं। यूं तो उनके पिता शाहिद मामूली टीवी मैकेनिक हैं, लेकिन बेटे की पढ़ाई में उन्हें जिन चीजों की जरूरत पड़ रही, पिता ने वो हर जरूरत पूरी की। खैर, फिलहाल सानिया के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है और पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।